हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रताप, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और दोस्तों, जैसे कि अपने प्रीवियस ईयर के एजुकेशन करवा रहे हैं BSc नर्सिंग के, तो उसी में एक और पेपर और ऐड होने वाला है। वो होने वाला है 216 जो पेपर है, 16 का जो पेपर है वो अपन सोल्व करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने फिजिक्स के सारे पेपर जो है 17 से लेकर 21 तक के जो पेपर है वो अपन ने सोल्व कर लिए। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 से, आपको पता है पेपर जो होता है बाईलैंग्वेज पेपर यहाँ पर होता है। तो अपन जो 16 का पेपर है वो सोल्व करते हैं। फटाफट देखिए, आ जाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम। अरे क्वेश्चन नंबर 68 पे देखिए, एक हाइड्रोजन अणु का वर्ग माध्य मूल वेग 600 केल्विन पर क्या होगा? 600 केल्विन पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए इन्होंने VRMS पूछा है। देखिए, तो VRMS का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है बेटा, 3RT अपॉन MW। MW होता है बेटा यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 2। ठीक है, टी कितना दे रखा है, 600 केल्विन। ठीक है, तो आ जाइए बेटा देखिए VRMS क्या आ जाएगा अपने पास में। R की फॉर्म में दे रखा है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट दे रखा है, तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए प्लीज। तो इसमें देखिए R दे रखा है यहाँ पर, तो R अपने को रूट के अंदर एज इट इज रखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3R एज इट इज छोड़ दीजिए आप, 600 अपॉन 2 को सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए 1800 R अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा बेटा। और 900 का जो रूट आता है वो क्या आता है बेटा, 30। तो 30 रूट R, देखिए आंसर दे रखा है क्या, 30 रूट R, यस फर्स्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, A। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 69 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष शून्य तापमान पर होता है? देखिए बेटा, निरपेक्ष शून्य तापमान, यदि तापमान शून्य कर दिया जाए तो आप ध्यान रखना जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। क्योंकि कोई भी यदि मान के चलो लिक्विड अपन लेते हैं और उसको यदि उसका टेम्परेचर अपन राइज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो राइज होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि निरपेक्ष शून्य तापमान कर दिया तो क्या होगा, देखिए पानी जमा देता है, नहीं बेटा सबसे गैसों में जमा देता है, नहीं सभी पदार्थ ठोस हो जाते हैं, नहीं बेटा गैस में आणविक गति बंद हो जाती है। तो गैस में जो आणविक गति है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। ठीक है, एट निरपेक्ष शून्य तापमान पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अजय बेटा क्वेश्चन नंबर 70 पे देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, तीन तार जो एक समान धातु से बने हुए हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाइए वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए समान बल से खींचा जाता है, बल कैसे लगाया गया है, समान F मान लेते हैं अपन। तो कौन सा तार सबसे अधिक खींचा जा सकता है, कौन सा तार सबसे अधिक खींचा जा सकता है, जिनके लंबाई और व्यास नीचे दिए गए, जिनकी लंबाइयां दी गई है बेटा, ये देखो लंबाई दी हुई है और व्यास दिए हुए हैं इनके। तो अपने को ये देखना है कि कौन सा तार सबसे ज्यादा लंबा खींचा जा सकता है। उसके लिए आप देखिए यंग का मॉडुलस जो फॉर्मूला होता है, यंग का जो मॉडुलस कौन सा प्रत्यास्थ का जो फॉर्मूला होता है उससे देखिए वो क्या होता है बेटा, वाई बराबर एफ ए डेल एल टू एल। अपने को क्या निकालना बेटा, डेल एल निकालना है कि जो डेल एल आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए यहां पर डेल एल बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एफ एल ए और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा बेटा। तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, एफ भी कॉन्स्टेंट है बेटा, दोनों चीजें कॉन्स्टेंट है। तो और ए अपने को पता है, जो ए होता है किसी भी वायर के लिए तो वो क्या आता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पाई की जगह आर की स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है बेटा, डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो डायमीटर के लिए देखिए क्या कर लोगे यहाँ पर, डी स्क्वायर कर लीजिए। तो इनके बीच में रिलेशन अपने पास में क्या आ गया, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए जिसके लिए डी स्क्वायर कम होगा और एल ज्यादा होगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा खींचा जाएगा। तो देखिए कौन सा है, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, सेकंड की, और व्यास सबसे कम इसी का है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, सेकंड वाला तार है वो सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है। देखिए राइट आंसर वायर नंबर सेकंड, बी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे देखिए क्या बोल रहा है, उस धातु का प्रत्यास्थ ऊर्जा प्रति इकाई आयतन ज्ञात करिए। तो डायरेक्ट पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, देखिए ई बराबर 1/2 मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। देखिए यदि उस प्रत्यास्थ धातु का यंग मापांक बेटा अपने को पता होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होता है। वो क्या आता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस आता है।
ये फॉर्मूला इसका आता है। तो स्ट्रेन इन्होंने जो दी है वो कितनी दी है बेटा, एस दी है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया पढ़ोगे तो यहाँ पर दे रखा है स्ट्रेचिंग स्ट्रेस, ठीक है कि नहीं। वो कितनी दी हुई है बेटा यहाँ पर, एस दी हुई है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करिए, तो यहाँ से ये वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट अप कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्ट्रेन जो आ जाएगा अपने पास में वो क्या जाएगा, सॉरी स्ट्रेस निकाल लीजिए यहाँ पर, स्ट्रेस क्या आ जाएगा, स्ट्रेन अपॉन y आ जाएगा, ठीक है अग्नि। जो यंग का मापांक वो आ जाएगा, स्ट्रेन कितना है बेटा यहाँ पर s, तो अपने पास में जो स्ट्रेस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, s अपॉन y, वो इसमें पुट अप कर दीजिए आप। तो e बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एक बटा दो s s अपॉन y। तो देखिए क्या आ जाएगा, e बराबर s स्क्वायर अपॉन टू वाई। तो देखिए जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, एस स्क्वायर अपॉन टू वाई, सी सी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन बताता है, यंग जो मॉडुलस होता है वो बताता है, और वो क्या बताता है, वाई बराबर स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 72 पे देखिए, यदि एक ठोस धातु गेंद को गर्म किया जाता है, एक ठोस ये धातु की बॉल है इसको गर्म किया जा रहा है, तो निम्न में से कौन से भाग में अधिकतम वृद्धि प्रतिशत अनुभव होगा। देखिए साहब इसमें क्या बोल रहा है कि साहब इसके कौन से भाग में अधिकतम वृद्धि होगी, तो अपने को पता है किसी की डेंसिटी होती है, यदि अपन सॉलिड स्फेयर की यदि बात करें, सॉलिड बॉल की यदि अपन बात करें, तो देखिए ये वो क्या आता है, एम अपॉन वी आता है, और वी बराबर क्या आता है बेटा इसके लिए, चार बटा तीन पाई आर क्यूब। तो यदि आप इसको गर्म करोगे तो इसकी जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो रेडियस सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे बेटा, वॉल्यूम से। तो इसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, देखिए ऑप्शन में डायमीटर नहीं बेटा, इट्स सरफेस एरिया नहीं, इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी बेटा, डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक कांच का गुटके जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश है, एक प्रकाश किरण दूसरी सतह पर 45 डिग्री कोण से गिरती है, अपवर्तन के बाद यह बाद में चांदी की सतह से परिलक्षित होता है, फिर इसे अपनी राह में वापस चली जाती है, कांच के गुटके का अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो कांच के गुटके का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है अग्नि। देखिए क्वेश्चन में वापस बता देता हूँ एक बार, ये अपने एक सरफेस लिया है, इस पर चांदी की सतह ये कर दी पॉलिश कर दी अपन ने, क्या हुआ साहब ये 45 डिग्री पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद में ये क्या होता है, देखो कोई भी प्रकाश किरण यदि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर जाती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, उसकी तरफ क्या होती है, मूव करती है, तो क्या आएगा इसमें, ये आ जाएगा, और उसके बाद में ये बाहर निकलेगा तो वापस एज इट इज आ जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम हो गए। इसके लिए अपवर्तन कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, देखिए अपवर्तन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो कांच के घुटने का अपवर्तनांक, तो आप स्नेल का जो लो है वो काम में ले लीजिए यहाँ पर, स्नेल लो क्या बोलता है, स्नेल लो म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू, ठीक है। म्यू वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन साइन 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, म्यू टू, ये अपने को निकालना है, साइन 30 डिग्री। देखिए बेटा ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू बराबर कितना आ जाएगा, म्यू टू अपने को फाइंड आउट करना है, और ये कितना आ जाएगा बेटा, वन अपॉन टू। तो जो म्यू टू है वो कितना आ जाएगा, टू अपॉन रूट टू। देखिए बेटा आंसर, देखिए इसको और सोल्व कर रखा है इन्होंने, तो क्या किया साहब, टू अपॉन रूट टू, इसको रूट टू से रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, टू। तो जो आंसर आएगा अपने पास में क्या आ जाएगा, रूट टू, देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आज अभी क्वेश्चन नंबर 74 पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 74, दर्पण सूत्र कब सत्य होता है, जो दर्पण सूत्र है वो अपन कब लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जनरली तो देखिए बेटा, जब दर्पण जो बिंब है वो सामने रखा हुआ हो, प्रतिबिंब पीछे बने और फोकस दूरी उसकी कैसी दे रखी हो, पॉजिटिव दे रखी है, तब अपन काम में लेते हैं इसको, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए काम में लेते हैं, चाहे इसके लिए फोकस दूरी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऐसे अपने को ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा है। इन्होंने देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, केवल जब वस्तु दर्पण के सामने रखी हो तो ये तब भी लागू होता है बेटा। आगे देखिए, जब दर्पण द्वारक छोटा हो, दर्पण का जो द्वारक है वो क्या हो, छोटा हो, देखो इसमें क्या होता है, यू ये जो द्वारक दे रखा है उसकी जो साइज है वो क्या हो, स्मॉल हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि अपना आंसर देखे और ऑप्शन के हिसाब से यदि आप अपना आंसर देखे तो इसमें बी आंसर आएगा, बाकी इसमें जो सारे ऑप्शन है वो
इनको छोड़कर केवल देखो उपरोक्त सभी भी दे रखा है इसमें, तो जो आंसर होगा बेटा उपरोक्त सभी भी हो ही सकता है इसके अंदर, देखिए क्योंकि ये भी सही है, क्योंकि अपने को पता है जो मिरर फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये आता है बेटा फॉर्मूला, तो ये सबके लिए ही सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, जबकि इसमें जो आंसर दे रखा है वो बी दे रखा है, वो बी इसकी वजह से दे रखा है बेटा, क्योंकि जो सी ऑप्शन है वो इससे मैच नहीं करता है। ये क्या बोल रहा है, ओनली व्हेन रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा हमेशा नहीं होता है बेटा। ये देखिए, यदि मान के चलो मेरे पास में ये दर्पण है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो परावर्तन है वो यदि ऐसे होता है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि जो इंसिडेंट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है। तो जैसे ये आ रही है तो इसमें भी तो परावर्तन के नियम फॉलो होते हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, बी आंसर दिया है, ठीक है। तो कई बार जो ऑप्शन होते हैं उनके हिसाब से भी अपने को आंसर देने होते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी आप आंसर करते हो तो सी भी सही होता है उसमें, जबकि सी इसका आंसर सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यदि दो गेंदों जिनका भार अलग है किंतु गतिज ऊर्जा एक ही है तो किस गेंद का अधिक संवेग प्राप्त होगा। देखिए अपने को सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉल की, तो वो क्या होती है बेटा 1/2 mv². आप क्या कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए कैसे करोगे, यदि इसको m से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, m से यदि डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m² v² / m, ठीक है। और ये किसके बराबर आता है बेटा, p के बराबर, तो जो p स्क्वायर आता है बेटा वो क्या आ जाएगा, 2 देखिए m काइनेटिक एनर्जी, तो p बराबर क्या आ जाएगा, √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, क्योंकि उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा आएगा। देखिए बेटा जिसका मास ज्यादा आएगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा आएगा, तो देखिए मास भारी बॉल का जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा, इन्होंने यही पूछा है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो जो भारी बॉल होगी उसका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 76 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 76 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश नीले रंग का कारण होता है, जो आकाश का नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो आप हिंदी पढ़ो उसके साथ साथ में बेटा एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में तो फिर भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये ध्यान रखना सूर्य से हवा के अणुओं के नीले प्रकाश का बिखेरना, यही होता है बेटा। इसमें चार ऑप्शन आप पढ़ोगे तो इसमें सबसे जो बेटर ऑप्शन दे रखा है उन्होंने यही दे रखा है, देखिए संयोजन के कारण नीला रंग नहीं, हवा के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन कभी नहीं होता है बेटा, विवर्तन क्रिस्टल के द्वारा होता है बेटा, ठीक है। और हवा में पानी की बूंदों का सूर्य से प्रकाश का प्रतिबिंब बनने का कारण नहीं है बेटा, ये कभी नहीं होता, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, सूर्य से हवा के अणुओं का नीले प्रकाश बिखेरना, मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्केटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 77 पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृग दर्शनिका की घटना के कारण होता है बेटा, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो, उसके अंदर अपन देखते हैं ऑप्टिक फाइबर आता है बेटा, ऑप्टिक फाइबर आता है, डायमंड आता है, ये आता है, ये सब टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक है, नहीं कुल आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं बेटा इसको, ये तो जो हिंदी वाले हैं पूरी हिंदी कर देते हैं क्वेश्चन की, तो कुल नहीं होता बेटा, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो TIR, तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, एक वस्तु जो अनंत में है जिसकी छवि का आकार 1.6 सेंटीमीटर है, H1 दे रखा है उन्होंने, 1.6 दे रखा है बेटा, जो एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर के द्वारा गठित की गई है। देखिए बेटा ये एक उत्तल लेंस हो गया बेटा, ठीक है, इसकी इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, द्वारा गठित की, एक अवतल लेंस जिसकी फोकल लेंथ, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, आपको पता है जो अवतल लेंस अपन लेते हैं उसकी जो फोकस डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है, तो -20, उत्तल लेंस और छवि के बीच में रखा गया है। देखिए बेटा ये इनफाइनाइट से आ रही है रेस, ठीक है, इसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे बनेगा, यू, ठीक है, यू फोकस पे बन गया ये, तो यहाँ पर क्या बन गई, छवि बन गई बेटा, प्रतिबिंब बन गया,
प्रतिबिंब बन गया। इन दोनों प्रतिबिंबों के बीच में क्या रख दिया जाता है बेटा, एक अवतल लेंस रख दिया जाता है, ठीक है, यानी क्या रख दिया जाता है बेटा, अवतल लेंस, ठीक है। तो और उसके जो फोकस डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बेटा। तो छवि का उत्तल लेंस से दूरी 26 सेंटीमीटर है, ये बेटा कितनी है, छवि की जो डिस्टेंस है उत्तल लेंस से वो कितनी है बेटा, 26 सेंटीमीटर है। तो अंतिम छवि का आकार होगा, तो देखिए बेटा उत्तल लेंस से इसकी दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, उत्तल लेंस से जो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए बेटा यहां पर ये पूरी 26 है, ठीक है कि नहीं। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा लेंस की वो कितनी दे रखी है, 30, देखिए ये पूरी कितनी दे रखी है बेटा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब ये कितनी बच गई साहब, उत्तल दर्पण से यदि अपन बात करें, उत्तल दर्पण से तो जो अपने पास में प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण के लिए जो बिंब बनेगा वो कितने पे बनेगा, 4 सेंटीमीटर पे बनेगा बेटा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर के बाद में इन्होंने क्या पूछा, अंतिम छवि का आकार क्या बनेगा, तो देखिए यहां से बनने के बाद में अब साहब इसके कारण जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, उसका आकार क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अपन देखते हैं लेंस फॉर्मूले से, लेंस का जो फॉर्मूला होता है उससे देखते हैं बेटा अपन क्या आ जाएगा, देखिए 1/v - 1/u बराबर क्या आ जाएगा, 1/f, ठीक है। अपने पास में u दे रखा है तो यहां से क्या कर लीजिए, v निकाल लीजिए आप, क्या आएगा देखिए 1/v - 1/u कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर बराबर 1/f कितना है बेटा, f जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आउटर लेंस की यदि अपन बात करें तो ये आ जाएगा, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/v बराबर देखिए क्या कर लीजिए बेटा, 1/20 प्लस 1/ ये माइनस में आएगा बेटा, ये ध्यान रखना माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि आउटर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो माइनस ये कितना आ जाएगा, प्लस 4, तो देखिए बेटा 20 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1, ये माइनस में, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा देखिए 5, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1/v बराबर आ जाएगा अपने पास में 4/20, तो v बराबर आ जाएगा 5, तो v अपने पास में 5 हो गया। तो अपने को पता है जो मैग्नीफिकेशन होता है बेटा वो मैग्नीफिकेशन कितना आता है, देखिए m बराबर क्या आता है, v/u, क्या आता है बेटा, -v/u आता है। तो m बराबर क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर, v कितना है बेटा 5 है और u कितना है बेटा 4 है, तो m कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 25। अब अपने को पता है इसका क्या निकालना, अंतिम छवि का क्या निकालना बेटा, आकार निकालना। तो अपने को पता है m बराबर क्या आ जाएगा, s2/h1 आता है बेटा, m कितना आ गया अपने पास में बेटा 1.25 बराबर s2, h1 का कितना दे रखा है बेटा आकार 1.6, तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि जो आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा, देखिए 1.25 × 1.6 देखिए 80 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, देखिए बेटा 2 सेंटीमीटर, आपके यहाँ आंसर डी दे रखा है तो डी आंसर नहीं आएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। अपने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे करी और जो अपने पास में जो लास्ट में आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ये बेटा करेक्शन कर लीजिए, आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 79 पे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 79। LCR अधिष्ठापन समय प्रतिरोध ये दे रखा है, E और B बिजली चुंबकीय क्षेत्र क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन समय की तुलना में एक आयाम है, अपने को ऐसा देखना है जिसकी वजह से क्या निकल जाए साहब, अपने पास में टाइम आ जाए। तो देखिए गिवन दैट ई इज द EMF, फ्लक्स दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स, LCR इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, ई एंड बी आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रेस्पेक्टिवली, विच ऑन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एज द डायमेंशन अदर देन द टाइम, इनमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से अपने पास में टाइम आ जाए। तो एक ही रिलेशन ऐसा आएगा जिसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास में, टाइम आ जाएगा, P/E, उसी से क्या आ सकता है बेटा, टाइम आ सकता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 80 पे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 80। एक रस्सी जिसका तोड़कर ताकत 145 किसी बार कितना अधिकतम त्वरण द्वारा खड़ी खिंचाई तक जा सकती। देखिए बेटा क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा ही। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट विच 45 kg लोड कैन बी पुल्ड अप वर्टिकली बाय रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। देखिए एक रस्सा है, ठीक है कि नहीं, ये रस्सा इस पे लटका हुआ है और ये 45 kg के बार को ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है,
ठीक है। तो इस रस्से का जो मैक्सिमम टेंशन दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 495 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि साहब इसको कितने एक्सीलरेशन से खींचा जा सकता है। तो देखिए एक्सीलरेशन अपने को पता है, जब ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो क्या आएगा, इस पर नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, एक्सीलरेशन ये ऊपर की तरफ तो क्या जाएगा t माइनस, ऊपर की तरफ जा रहा तो t ज्यादा आएगा इसमें, तो t माइनस mg बराबर क्या जाएगा ma। टेंशन कितना दे रखा है मैक्सिमम 495, m कितना दे रखा है 45 और g कितना है 10, m कितना है 45 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, a अपने को निकालना तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए 450 और 495 में से 450 गए तो बेटा 45/45 बराबर क्या आ जाएगा a। तो जो a आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 m/s2। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1 m/s2। ठीक है, तो a इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अजय बेटा क्वेश्चन नंबर 81 पे देखिए, 81 क्या बोल रहा है साहब, एक कण ए जो दूसरे कण बी से स्थिर है के साथ परोक्ष लचदार बेटा ओब्लिक टक्कर करता है, ये क्या करता है ओब्लिक करता है। तो टक्कर के बाद में क्या होगा, तो टक्कर के बाद में क्या होंगे बेटा, वो एक दूसरे के लंबवत चले जाएंगे। देखिए ये मान के चलो एक पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है साहब दूसरे पार्टिकल के साथ में क्या कर रहा है, ओब्लिक टक्कर कर रहा है। तो ओब्लिक टक्कर करने के बाद में क्या जाएगा, मान लो ये एम टू मान लीजिए, एम वन मान लीजिए, ये यू जीरो मान लीजिए, इसका यू वन मान लीजिए, इसका यू टू जीरो मान लीजिए, तो क्या आएगा, जब परोक्ष टक्कर करेंगे तो ये ऐसे जाएंगे, यू जाएंगे बेटा, तो ये एक दूसरे के क्या जाएंगे 90 डिग्री पे जाएंगे, दी ओब्लिक कोलिजन ये करेंगे। तो देखिए जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, सी, दोनों ने परस्पर लंबवत दिशाओं में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ओब्लिक जब कोलिजन पढ़ोगे तो वहां पर डायरेक्ट दिया हुआ था कि जब ओब्लिक कोलिजन होती है पार्टिकल्स के बीच में तो एक दूसरे के लंबवत मूव करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 82 पे देखिए, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से एक उत्तेजित अवस्था में कर दिया जाता है तो क्या परिणाम हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी में कमी जबकि ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी बेटा, डायरेक्ट एमटीआई टाइप क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है कि यदि उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन के लिए अपन कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी और जो उसकी ऊर्जा क्षमता है पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर 83 पे देखिए बेटा, यदि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नकारात्मक हो तो ये क्या दर्शाता है, यदि कुल ऊर्जा नकारात्मक हो तो इसका मतलब क्या होगा साहब, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, तक क्योंकि जब भी बॉन्ड बनाएगा तो उससे क्या होगी, एनर्जी रिमूव होगी और एनर्जी रिमूव होगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कि जो कुल ऊर्जा है वो क्या है ऋणात्मक, वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है तो उसको क्या कैसे दिखाते हैं नेगेटिवली, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो क्या बनेगा साहब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन बंद बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अजय क्वेश्चन नंबर 84 पे देखिए क्या बोल रहा है, निम्न किस माध्यम ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो ध्यान रखना है सॉलिड में करती है बेटा, सॉलिड में क्यों करती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं और ये क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करेंगे तो इसकी वजह से जो ध्वनि होगी वो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए जब डेंसिटी ज्यादा हो, जब वेन द मीडियम ऑफ हाई डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी हाई कब होगी, जब पर यूनिट वॉल्यूम उसमें मास ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा सॉलिड होंगे तब, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 85 पे देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जब गेंद को पकड़ने के लिए उसके हाथ गेंद की दिशा में आगे करता है तो क्या होता है, देखिए एक बार इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अपन, व्हाइल डज ए क्रिकेटर प्लेयर व्हाइल कैचिंग ए बॉल मूव्स हिज हैंड्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। देखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो क्रिकेट में क्या होता है, जो क्रिकेटर होता है बॉल कैच पकड़ता है तो हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, तो क्यों लेके जाता है, क्योंकि अपने को पता है जो एफ होता है वो क्या होता है बेटा डेल पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम जितना कम लगेगा बेटा उतना ही क्या होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगी तो चोट ज्यादा लगेगी, तो क्या होता है वो टाइम इंटरवेल बढ़ाता है, टाइम इंटरवेल क्या करता है वो बढ़ाता है, तो टाइम इंटरवेल जब बढ़ेगा तो क्या होगा साहब उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा कम लगेगा, इसका मतलब उसके हाथों पर जो चोट है वो कम लगेगी। तो देखिए क्या है, जल्दी से गेंद को पकड़ने के लिए नहीं, ऊर्जा को नुकसान कम करने के लिए देखिए नहीं, हवा को गेंद में रखने के लिए नहीं, आवेग के बल को कम करने के लिए। ठीक है, बल कम लगेगा तो हाथ पे चोट कम लगेगी, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। ठीक है,
अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोल रहा है। अगर एक कण के वेग अपनी प्रारंभिक मूल्य के आधे से कम कर दी जाए तो कण की गतिज ऊर्जा कितने कम या बढ़ जाएगी। देखिए साहब, मान के चलो स्टार्टिंग में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो क्या है, 1/2 mv². अब वी जो कर दी जाती है वो क्या कर दी जाती है बेटा, वी डैश आधी कर दी जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फाइनल वो कितनी आ जाएगी, 1/2 mv² इसका स्क्वायर। तो वी डैश की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगी वो क्या आएगी, 1/2 mv² / 4। आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, 4। ये अपने पास में क्या आती है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आएगी वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का चौथाई आएगी। देखिए यहाँ पर ये अपने मूल मूल्य का आधा हो जाएगा, नहीं ये अपने मूल मतलब 1/4 हो जाएगा। यस, तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर 87 पे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर उच्चतम कब घूमती है। देखिए बेटा केपलर का लो जो होता है वो, केपलर का लो क्या बताता है साहब, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के चारों ओर यूं चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो एक रेडियस मिनिमम होती है और दूसरी आर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है बेटा, आर मिनिमम वी मैक्सिमम बराबर आर मैक्सिमम और वी मिनिमम। तो जब पास में होएगी एक्स के तब सबसे ज्यादा तेजी से घूमेगा। देखिए जब ये सूर्य से दूर होता है तब नहीं, जब ये सूर्य के सबसे करीब होता है तब, जब ये सूर्य के सबसे करीब होता है तब। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। देखिए एक अर्धचालक डायोड में रिवर्स पक्षपातपूर्ण धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स के वजह से कि जिसके निम्न में से कौन से, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन। इन ए सेमीकंडक्टिंग डायोड द रिवर्स बायस्ड करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए वो किसकी वजह से होता है बेटा, केवल थर्मल की वजह से होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर की वजह से होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्मल एक्साइटेशन ओनली। क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है बेटा, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि होल इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, तो जो डिप्लेशन लेयर होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में यदि करंट फ्लो होगी तो किसकी वजह से होगी, केवल थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होगी, टेम्परेचर की वजह से होगी। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। देखिए यदि दो प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध जो एक बैटरी से जुड़े, निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही है। पढ़ते जाइए, समान धारा प्रवाह होगा जब श्रृंखला में जुड़े हो। यस बेटा एकदम सही है, समान धारा फ्लो होगी जब श्रृंखला में जुड़े हुए होंगे। तो उनमें विभवांतर अलग अलग होगा जब समांतर, नहीं बेटा जब विभवांतर सेम होगा कब, जब समांतर में हो, उनमें विभवांतर बराबर जब श्रृंखला में, नहीं बेटा इसमें चार्ज सेम होगा, करंट सेम होगी बेटा। एक समान धारा प्रवाह होगा जब समांतर, नहीं बेटा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा किरचॉफ नियम का आम अनुप्रयोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ सर्किट। देखिए एक बंद सर्किट में एक जंक्शन पर धाराओं के बीजगणित जोड़ शून्य नहीं होता है, नहीं बेटा शून्य होता है। किसी भी बंद सर्किट के आसपास संभावित में परिवर्तन की बीजगणित नहीं, एक से कम नहीं होता बेटा, शून्य ही होता है। एक बंद सर्किट में एक जंक्शन पर धाराओं का बीजगणित जोड़ शून्य होता है। यस बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का समर्थन नहीं करता है बेटा, का समर्थन करता है ये आवेश संरक्षण का। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, सी। ठीक है, छोटे छोटे स्टेटमेंट है जो यदि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन यदि मजबूत होगा तो आप कर पाओगे बेटा, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, दो कंडक्टर में विपरीत दिशाओं में धारा हो तो कंडक्टर का परिणामी प्रभाव। देखिए ये है दो कंडक्टर है, इसके अंदर एक में धारा यू है, विपरीत दिशा है और दूसरे में यू है। ठीक है, इसमें I1 धारा मान लेता हूँ, इसमें I2 धारा मान लेता हूँ। तो देखिए नियम लगाइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो इस पे लगने वाला फोर्स कैसे लगेगा बेटा, यू, और इस पे लगने वाला फोर्स क्यों लगेगा, यू। तो इनमें क्या लगेगा बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन का। तो देखिए कौन सा आएगा, दो कंडक्टर के बीच आकर्षण का बल लगेगा, ए। ठीक है अग्नि, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है प्रणाली में चुंबकीय प्रवाह का घनत्व होता है। देखिए चुंबकीय प्रवाह का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बेटा,
फाई अपॉन ए होता है बेटा, क्या होता है फाई अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है बेटा, बी के बराबर, क्योंकि अपने को पता है फाई बराबर क्या आता है, बी डॉट ए, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, फाई अपॉन ए, तो टेस्ला के बराबर आएगा बेटा। देखिए टेस्ला जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित गेट्स समुच्चय में कौन सा नैंड गेट, नॉट गेट प्लस एंड गेट, इतने सारे पेपर अपन ने सॉल्व करवाए बेटा उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आया है, तो जो नैंड गेट बनेगा वो किससे बनेगा, नॉट गेट प्लस एंड गेट से। देखिए एंड गेट और गेट नहीं बेटा, नॉट गेट एक्सोर गेट नहीं बेटा, एंड गेट और नॉट गेट, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 94 पे देखिए क्या दे रखा है, समान प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान ए को में जुड़े हुए दिखाया गया है, सी और डी के बीच में नेट प्रतिरोध आर है, तो आर का मूल्य क्या होगा। देखिए सी और डी के बीच में, तो ध्यान रखना बेटा ये क्या है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ये क्या है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। और जब भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है तो बेटा इस लाइन पे देखो, यदि सी और डी के बीच में पूछा है तो ये स्टेबल रह जाएंगे दोनों, जबकि एफ बी और ए ई के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे, हट जाएंगे। तो देखिए जो अपने पास में सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, यू बन जाएगा, एक यू बनेगा, दूसरा यू बनेगा, उसके बाद में यू बनेगा, ठीक है, यू बन जाएगा, उसके बाद में यू आ जाएगा, दो यू आ जाएगा, देखिए बेटा उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, यू आ जाएगा एक, यदि अपन देखो एक बार मैं बता देता हूं इसमें, तो ये दोनों हट जाएंगे इसमें, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो ये देखो अपने पास में ये दो हट गए, ये दो हटने के बाद में ये देखिए बेटा आप, ये दोनों आपस में किसमें आ रहे हैं, ये दोनों आपस में किसमें आ रहे हैं बेटा, सीरीज में, तो ये आपस में कितने आ जाएंगे, 2 ओम। यहां पर भी देखिए ये दोनों आपस में किसमें आ रहे हैं बेटा, सीरीज में, तो क्या आ जाएंगे, 2 ओम, ठीक है। और अब क्या जाएगा अपने पास में, देखिए ये आपस में किसमें आ रहे हैं बेटा, सीरीज में, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 2 ओम, ये भी कितने आ जाएंगे आपस में, 2 ओम, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गए, पैरेलल के अंदर देखो कितने आ गए, 2 ओम देखिए, लेकिन ये तो देखिए किसके साथ में, सी के साथ में अटैच है और डी के साथ में अटैच है, तो क्या आएगा देखिए बेटा यहाँ पर, ये दोनों कितने आ जाएंगे, 1 ओम 1 ओम 2 ओम, और ये 1 ओम 1 ओम 2 ओम, तो अपने पास में सर्किट बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, एक तो यू बन जाएगा 1 ओम, बीच में क्या बन जाएगा, देखिए 2 ओम 2 ओम, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओम, और क्या रह जाएगा बेटा, यू, ये क्या आ जाएगा, 1 ओम, ठीक है, सी और डी। बाकी बच क्या गया अपने पास में, ये दो बच गए 2 ओम के, देखिए एक ये बच गया अपने पास में और एक ये बच गया, ये दो दो ओम के बच गए अपने पास में, 2 ओम और 2 ओम, तो ये दोनों आपस में भी जुड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे बेटा, 1 ओम बन जाएंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए, 1 ओम, देखिए ये दोनों 1 ओम आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे, 3 ओम, ठीक है, 1 ओम और 3 ओम आ जाएंगे, तो ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो क्या आएगा देखिए बेटा, ये 3 into 1 upon 3 plus 1, तो कितना आ जाएगा, 3/4, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 3/4 ओम, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको ये देखना है कि जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है तो जो सिमेट्रिकल लाइन पर जो रेजिस्टेंस आता है, जहां पर पोटेंशियल जो पूछा नहीं गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसको अपन हटा देते हैं, इन दोनों को हटा दिया और बाद में अपन ने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट इनका रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4 ओम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 95 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या आएगा, एक धातु के गोले का व्यास डी है, इसके केंद्र से व्यास डी के एक छेद, अगर गोले को गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, उसमें वृद्धि हो जाएगी बेटा, उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा साहब, उसके आकार में वृद्धि होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 96 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है अपने, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक समांतर पर संधारित्र जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, पट्टी ये दे रखा है, सेपरेशन डी धारित है, ये दे रखी, तो सी बराबर आ गया अपने पास में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी,
यह आ गया बेटा, जिसके तीन अलग अलग अचालक स्थिरांक क्रम से K1 कर दिया, यहाँ पर K1 कर दिया, यहाँ पर K2 कर दिया, ये K3 कर दिया, जैसे चित्र में दिखाया भरा जाता है। यदि एक ही सामग्री संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी धारिता के है, जिसकी धारिता कितनी है, तो इसका अचालक स्थिरांक क्या होगा, 1/K की वैल्यू अपने को निकालनी है बेटा यहाँ पर, ठीक है नहीं इसकी। तो ये देखिए आपस में किस में जुड़ रहे हैं बेटा, यदि अपन इसकी बात करें ऊपर वालों की, तो ये देखो ये दोनों आपस में पैरेलल ऑर्डर में जुड़ रहे हैं, और ये तीसरा वाला इसके साथ में बेटा सीरीज ऑर्डर में जुड़ रहा है। तो पैरेलल का देखिए ये C1 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर C1 कितना आ जाएगा, K1 A/2D, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा C1। यहाँ पर C2 क्या आ जाएगा बेटा, देखिए C2 जो आएगा वो भी यही आ जाएगा, K2A/D क्या आ जाएगा बेटा, ये तो देखो इसके लिए D/2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इसमें भी 2 ऊपर आ जाएगा, D/2 करोगे तो ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो C1 बराबर क्या आ जाएगा, K1A/D। C2 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, K2A/D। तो ये दोनों आपस में किस में है बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है बेटा, C इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या आता है, C1 + C2। तो क्या आ जाएगा, K1 + K2, और अपने बाहर क्या ले लिया, A/D, तो अपने पास में एक तो ये आ गया। अब ये दोनों ये क्या आ जाएगा, C3 क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर K3A, A पूरा ऐसे कैसे रहेगा, और क्या आ जाएगा D, देखिए सो A/2 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये पूरा क्या है, इसकी जो प्लेट की है ये कितना है, देखिए ये पूरा A है, और D क्या आ जाएगा इसके लिए, D/2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2K3D, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में किस में आ गए, अब एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया और एक ये हो गया, ये आपस में किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट क्या लेते हैं बेटा अपन, 1/C1, C इक्विवेलेंट ये वाला फर्स्ट वाला +1/C3। तो देखिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए इनकी, क्या आ जाएगी, 1/C इक्विवेलेंट 1/K आ जाएगा बेटा, ε₀ A/ तो यहाँ पर K दे रखा है इन्होंने, क्योंकि इसके लिए क्या माना है इन्होंने, जिसकी धारिता K मानी है, तो K बराबर क्या आ जाएगा, A/D बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1/K1 + K2 A/D + 1/2K3 A/D, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, D/KA बराबर क्या आ जाएगा, इनमें कॉमन ले लीजिए आप, D/KA कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा, 1/K1 + K2 + 1/2K3 ये कॉमन आ गया, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1/K बराबर क्या आ जाएगा, 1/K1 + K2 + 1/2K3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 1/K K1 + K2 B, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, B, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले तो आप इनकी सी निकाल लीजिए, उसके बाद में देखिए कि कौन से ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में क्या निकाल लीजिए आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए बी ऑप्शन दे रखा है आपके, बी राइट आंसर दे रखा है। 97 पे देखिए, निम्न में से कौन सा जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पी होना चाहिए वो हाई वोल्टेज पे होना चाहिए, हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, और एन लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, देखिए कौन सा है, +6 पर है ये, -12 पे है, तो ये हाई पोटेंशियल पे, तो ए तो सही है, -2 नहीं बेटा ये नहीं है, 0 और 2 वोल्टेज नहीं बेटा ये, -2 और 0 नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अजय बेटा क्वेश्चन नंबर 98 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी के रूप में एक ही पैमाना नहीं है, तो इसको देखिए बेटा MTR क्वेश्चन है, तो ये देख लेना राइट आंसर आएगा इसका क्या जाएगा बेटा, डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, जल को किसी अन्य तरल से अधिक वरीयता क्यों दी जाती है जब गर्म पानी को बोतलों में प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है कि नहीं, तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज्यादा होती है बेटा, स्पेसिफिक जो हीट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से इसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। लाइन पढ़ते हो बेटा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, वो इसी वजह से दी जाती है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, लास्ट क्वेश्चन पे, वाष्प दबाव निम्नलिखित कारकों में से जिस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता,
जो वाष्प दाब होता है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, डी। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन है अपन ने वो पूरे सोल्व कर लिए बेटा, और हमारी जो कोशिश है वो पूरी यही रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले इन पेपरों से। कोई क्वेश्चन यदि रिपीट हो तो वो आपका गलत नहीं हो, ये हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ में। और पैरामेडिकल कोचिंग वाला ये कोशिश करता है कि जो भी स्टूडेंट उनके साथ में बने उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सूट आउट यहाँ पर करा जाए, और वो हम जीतोड़ कोशिश भी कर रहे हैं, पेपर हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो इससे पहले पैरामेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था RUHS के द्वारा 1 अक्टूबर को जो करवाया गया था, उसका भी अपन ने पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो अपन ने सोल्व करवाए थे, और नर्सिंग के भी अपन ने पूरे पेपर सोल्व करवाए 16 से लेकर 21 तक। तो आप इन पेपरों को ढंग से स्टडी करिए, ढंग से एनालिसिस करिए, आप अच्छी तरीके से इनका एनालिसिस करिए, जिससे कि आप जब एग्जाम में आप पेपर करो तो आपको ये लगे कि हाँ आपने जो वीडियोस देखी है उनसे आपको कुछ बेनिफिट मिला है।